मुझे पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, बट ये कि अगर कोई रोल मुझे मिले जो वेर आई गेट टू प्ले अ मेंटली इल पर्सन, जो कभी कभी खुश है, कभी कभी रोती है, कभी कभी उसको मतलब शिजोफ्रेनिक लोग जो होते हैं ना, यू डोंट नो कि ये क्या सोचती है अभी, ये क्या करने वाली है अभी. फक व्हाट्स रॉन्ग विद मी, कट दिस. दोस्तों, अगर आप सभी लेटेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यू सबसे पहले जानना चाहते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू देखना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल नमोकार सिनेमा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी. It's such a new industry. Yeah. But it was good. But they're growing really fast. Yeah. They recently had like 4-5 movies like Superstar with Mahira Khan and all those movies. Yeah. They're growing rapidly. Yeah, they are. Thank you so much. Ready? Into the camera. Can you take some? So आज हमारे साथ है बहुत ही beautiful model and actress Elnaz Norouzi. Hi. सबसे पहले तो welcome करना चाहूँगी. Thank you so much. साथ ही साथ congratulation करना चाहूँगी. Secret Game Part 2 के लिए बहुत ही अच्छा response मिल रहा है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. आई थिंक ये अभी जो भी लोग मैं जानती हूँ वो सब चाहते हैं कि सेक्रेट गेम्स में काम करें. सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू प्ले सच एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन सेक्रेट गेम्स. या बहुत अच्छा था. चैलेंजेस आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि वो व्हेन आई हैड टू वेयर दैट नोज फॉर जमीला, क्योंकि हर बार शूट से पहले हमको आधा घंटा एक घंटा लगता था कि उसको लगाने में और मेकअप करने में. दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज मुझे लगता है, क्योंकि कभी कभी प्रोस्थेटिक्स फेस पे हैं तो वो अलग है, लेकिन जब नोज पे एक और नोज लगाते हैं तो कभी कभी सांस नहीं आता है. और हमारा जो एक स्विमिंग पूल पे में भी एक सीन था, एंड आई हैड टू स्विम एंड आई हैड टू गो अंडर वाटर एंड कम आउट, तो वो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर श्योर. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सैफ अली खान के साथ नवाजुद्दीन से देखे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब एक्चुअली इतने बड़े बड़े स्टार्स काम करने के साथ, सॉरी लेट्स गो अगेन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इतने बड़े बड़े स्टार्स काम करने. फक व्हाट्स रॉन्ग विद मी, कट दिस. काम करने के बाद, काम करने के साथ, व्हाट्स हैपनिंग, आई एम रिकॉर्डिंग. आई थिंक आई स्पोक सो मच कि okay. You're recording all of this. Stop recording. I know, but it's funny because I think I'm hungry also, na? So my brain is not working. हाँ जी, क्या बोला था? हाँ जी, मेरा experience बहुत अच्छा रहा है. I've been very lucky
कि आई गॉट द चांस टू वर्क विद सैफ अली खान एंड नवाजुद्दीन सर, दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं. और मुझे याद है मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट सेक्रेड गेम सीजन 1 के लिए सैफ सर के साथ था, और मैं बहुत बहुत ही नर्वस, बहुत ही स्ट्रेस्ड, मतलब आई वाज शेकिंग एंड आई वाज इन शॉक कि यार फर्स्ट डे इनके साथ क्यों रखा है, कुछ और सीन कर सकते थे ना. बट सैफ सर वाज सो सपोर्टिंग, ही वेंट थ्रू द लाइंस विद मी. बार बार वी वर सिटिंग 4 घंटे के लिए हम बस प्रिपरेशन के लिए वी आई कांट से वेस्टेड, बट यू नो who does that nowadays? ये जो सारे stars हैं वो आते हैं set पे, scene करते हैं और फिर जाते हैं. Nobody sits with you and you know helps you through. So ये that's one very amazing memory that I have. और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ actually. मैं बहुत lucky भी हूँ that I got the chance to work with them. क्या कुछ सीखने को मिला? ओह, बहुत कुछ. मैं बता भी नहीं सकती कि एक्चुअली उनके साथ रहना, उनके साथ काम करना रोज़ सेट पे या ब्रेक्स में भी, यू जस्ट लर्न सो मच आई फील. एंड नवाजुद्दीन सर की उनका मैं क्या बताऊँ आपको, उनका एक्टिंग जो है, यू जस्ट नीड टू लुक एट हिम एंड यू जस्ट लर्न सो मच. सो एक्टिंग सीखा मैंने सेक्रेड गेम्स में बहुत. It was like an acting school for me, you know. I was working and learning at the same time. Sacred Game के बाद आपके life में क्या कुछ changes आए? Changes तो हैं. ये कि लोग अभी मुझे recognize करते हैं road पे, या जब मैं बाहर जाती हूँ कहीं, अभी airport में भी हो, देखती हूँ कि लोग बोलते हैं उनको पता नहीं है कि मेरा नाम, उनको पता नहीं है ना अभी तक. आई मीन आई एम क्वाइट न्यू, बट या ये सेक्रेड गेम्स वाली है, ये वो जोया है ना. सो ये है जो अच्छा है. इट फील्स ग्रेट, आई एम हैप्पी. और हाँ जी, ये कि अभी बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं मेरे पास, टच वुड. या गुड 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 चेंजेस. मैं हमेशा चाहती थी कि मैं बॉलीवुड फिल्मों में काम करूं, क्योंकि मैं हमेशा बचपन में बॉलीवुड फिल्में बहुत देखती थी उस वक्त. तो मैंने सोचा कि यार एक्टिंग तो करना है, तो बॉलीवुड में ट्राई करूं. मुझे पता नहीं था कि इतना मुश्किल होगा, बट ऐसे हुआ. वॉचिंग फिल्म एंड Love for Shahrukh Khan, I think. In future, आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? सबके साथ. I've got a weird work acting crush on Vicky Kaushal. I think not as a girl boy crush, but he's a person I'm like, अरे उनके साथ मुझे काम करना है. इतना अच्छा एक्टर है एंड ही इज जस्ट दिस पर्सोना एंड हाउ ही इज ऑन स्क्रीन, हु डजंट वांट टू वर्क विथ हिम. सो ही इज दैट वन पर्सन आई एम लाइक, यार उनके साथ मुझे काम ही करना है. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, मुझे सबके साथ काम करना है. इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यू नो. अगर आप मुझसे 2 साल पहले पूछते थे कि किसके साथ काम करना है, शायद मैंने कभी नवाजुद्दीन सर का नाम भी नहीं लिया था, यू नो, उस वक्त, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आता है ना. बट इट हैपेंड and it was great. So yeah, in future aap kis genre ki movie karna pasand karenge? Actually I love thrillers, aur mujhe ek thriller film mein zarur kaam karna hai. Aur mujhe lagta hai ki main comedy bhi bahut acche se kar sakti hu, lekin abhi tak mauka nahi mila hai. So comedy and thriller is something I would love to do. Kis type ka role? इस टाइप का रोल यार इतने सारे अलग अलग लोग हैं, लेकिन हाँ, एक रोल या एक इमोशन है जो मुझे डेफिनेटली ट्राई करना है. मुझे कोशिश करना है कि ये
मुझे पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, बट ये कि अगर कोई रोल मुझे मिले जो वेर आई गेट टू प्ले अ मेंटली इल पर्सन, जो कभी कभी खुश है, कभी कभी रोती है, कभी कभी उसको मतलब शिज़ोफ्रेनिक लोग जो होते हैं ना, यू डोंट नो कि ये क्या सोचती है अभी, ये क्या करने वाली है अभी. इफ़ यू प्ले रोल लाइक दैट, आपको खुद को पता नहीं है कि अभी क्या करना है, एंड दैट्स वेरी हार्ड एज एन एक्टर. अगर आप वैसे ही हो तो कुछ एक्टिंग नहीं करना है, बट टू गेट इन अ रोल लाइक दैट वेर यू आर डिफरेंट पीपल एंड यू गो अप एंड डाउन इन नो टाइम, आई थिंक वो बहुत चैलेंजिंग है. और या आई वुड लव टू डू अ रोल लाइक दैट. आपसे जानना चाहूंगी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी तक बात नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन दो फिल्में हैं जो अभी आने वाली हैं, एक साउथ फिल्म है, एक बॉलीवुड में है. और इससे ज़्यादा जब हम बता सकेंगे तब आपसे दोबारा मिलेंगे. क्या मैसेज, बस ये कि थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी इन योर कंट्री, फॉर गिविंग मी द चांस टू शोकेस माय टैलेंट एंड व्हाट आई लव टू डू. एंड या ये सारे फैंस जो हैं जो इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे मुझे इतना प्यार देते हैं, प्लीज़ मुझे और प्यार दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है. एंड या थैंक यू सो मच.